अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी टीवी 7 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की ये खास खबर। भाई मेरा नाम इमरान खान है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा और जुनैद मेरे खाला के घर में खदमा भेजते बोल के 2 महीने पहले 60,000 रुपये लिए। 2 महीने से फिरा रहे उन्होंने खदमा भेजते बोल के, अब तक नहीं भेजे उन्होंने। हम पैसों के लिए पूछे तो मेरे को फ़ोन करके बहादुरपुरे पे लक्की बार के पास बुलाए, उन्होंने बुला के आओ बोल के बोले तो मैं काम पर था। उन्होंने जो सो कि मैं काम पर हूँ बोल के मेरे घर पर जाके अटैक करे, पत्थरें मारे। मैं सीधा पुलिस स्टेशन को आया महेश्वरम से, महेश्वरम पर काम पर था और मेरे वालिद साहब का गल्ला भी पकड़े उन्होंने, गल्ला पकड़ के ढकले मेरे वालिद साहब से, बदतमीजी करे। और ये रात में 11:30-12 बजे के करीब कुछ हुआ, ये 11:30 के टाइम कुछ हुआ। मैं महेश्वरम में काम पे था, मैं जाके पूछा मेरे घर पे शराब पी के क्यों आया और पी ले के आए उन्होंने। अकेले नहीं आए, बारकस के कौन की पहलवान है कहते, बारकस के पहलवान को लेके आके जरा हो बताना जा रहे उन्होंने कि हम रोडी शटर है। हर किसी के उन्होंने पैसे लेके खा लेते ऐसी वो खदामायों को, लेडीज़ को भेजते बोल के हमेशा। इन्हों भी वैसी करते हैं। और इनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद मौदम है, सैयद मौदम अली है, मुजाहिद सैयद मुजाहिद अली है। इनका नाम सैयद मुस्तफ़ा अली है, इनके बेटे का नाम सैयद मुस्तफ़ा अली है। इनके बेटे ऐसी करते और इनके वालिद साहब भी ऐसी करते थे। इनके वालिद साहब हर किसी के पैसे डुबा के भागने वाले ये लोग। हमको नहीं मालूम था, अभी हमको मालूम हुआ और हम सीधा पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट लिखाए तो ये हमारे को स्लिप भी दिए पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट लिखाए तो क्या बोल के कंप्लेंट लिखाया अभी यहाँ पे आके? भाई उन्होंने घर पे आके अटैक करें, वजह क्या है अटैक करने की? पैसों के लिए हम पूछे तो आके हमारे ऊपर 60,000 रुपये दिए थे हम लोग खदामा के लिए। खदामा कितने दिन हो रहा? 2 महीने हो गया भैया, मुसलसल 2 महीने से आपको? 2 महीने से फिर आ रहे हो और मेरे पास प्रूफ भी है। एयरपोर्ट में बोर्डिंग कार्ड कट गया, आधार कार्ड है। ये बंदा है शहर में हर किसी को परेशान करने वाला, ये बंदा है फेक इलीगल यूज। खालिद मुजाहिद नाम था उसका, उन्हें कई लोगों को डुबाया है। सही, मेरे घर के सामने घर था, आखिरी में उसका बाप घर बेच के पैसे दिया, मैं कई बार उनको बचाया। इन्हें भी वैसे ही, वही बाप का बेटा है, अम्मा भी वैसी चे, वो बहना भी वैसी चे, इसकी बीवी भी वैसी चे। रोज लोग आते इनके घरों पर कंप्लेन कर ले हमला इसलिए यहां पर जबरदस्ती जो बोल रही, मैं उसको हाथ लगाया वो मैं बोला ना मेरे पोत्री के जैसी, या पोत्री ने बेटी के जैसी हाथ लगाया बोल के इल्जाम लगा दिया पे। हाँ पूरा फॉल्स इन्फॉर्मेशन आके लिखा रहे, पूरा झूठ। और उनके बाहर का स्टाइल हमीद कहते हमीद, उसको लेके आके बारकस के लोगों को लेके आती हूँ बोल के डराने की कोशिश कर रही। कौन होना? नहीं बारकस का दार का बड़ी मस्जिद का रहता हूँ, देख लूंगा एक एक को बोरा देख लेता कहते उन्हें एक एक वो जनों के पैसे डुबाए लोग जिसके और जितने भी जनों के पैसे डुबाए इब्राहिम, उसका नाम क्या नाम है पापा? मुजाहिद जुनैद नाम है उसका, उसकी फोटो भी आप देख ले सकते हैं। आप सब जने आइए यहाँ पर आके बाहर कस के लोगों को लेकर आता हूँ, पैसे मांगे तो अभी क्या चाह रहे आप? पैसे हमारे पैसे हमको वसूल होना भाई, अब इंसाफ होना हमारे पैसे हमारे को होना, लोगों के पैसे अमानत है किसी की हमारे भाई इंसान। और जिस के भी पैसे देने का है वो आइए बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेन कराइए, सबके पैसे वापस मिलते, सबको इसी टाइम देता है ये बंदा। डेली डेली उसके घर पे लोग आते हैं पैसे देने, अपील करता हूँ वापस लड़ता है। आओ बहादुरपुरा पीएस में इसके खिलाफ कंप्लेन करो, वो कभी आएंगे घर पे जाके मत लड़ लेते, बैठो आके कंप्लेन करो पुलिस का सारा।